मैंने खुद कितना टाइम स्टेनोग्राफर की, आपको स्टेनोग्राफर बनने में कितना टाइम लगेगा, आपको स्टेनो सीखने में कितना टाइम लगेगा, ये सब बचा। तो देखिए, मैंने स्टेनोग्राफर सीखी पूरे कंप्लीट एक साल। मैंने अक्टूबर को सर के पास ज्वाइन किया था और अक्टूबर में मेरे एग्जाम थे। पूरे एक साल मैंने किया, क्योंकि उसमें ना बीच में छोड़ा नहीं जाता है। अगर हम आज से सीख रहे हैं तो फिर अपनी स्पीड कम हो जाती है अगर बीच में छोड़ देते हैं। उसमें स्पीड की बहुत जरूरत होती है। जैसे मेरी स्पीड 100 या 100 प्लस है, तो वो स्पीड रहना जरूरी है। तो दोस्तों, मैंने तो एक साल में सीखी है। बाकी कुछ लोग इससे जल्दी भी सीख जाते हैं, कुछ लोगों को और ज्यादा टाइम लगता है। तो डिपेंड करता है कि पर्सन सीखने में कैसा है, उसका माइंड कैसा है, उसके हाथ की स्पीड कैसी है। मेरे हाथ की स्पीड बहुत स्लो है। मैंने आज तक मेरे किसी भी एग्जाम में फुल मतलब क्वेश्चन अटेंड नहीं किए, क्योंकि मेरे हाथ की स्पीड कम है। अगर मुझे क्वेश्चन याद किए हैं तो मैं नहीं कर पाती। बचपन से ही मतलब हाथ की स्पीड कम ही रही है मेरी। तो डिपेंड करता है आप पे, आप कितना टाइम देते हो, आप कितनी लगन से उसको सीखते हो, कैसा करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन वही है कि हम जैसे इंग्लिश सीख सकते हैं, उर्दू सीख सकते हैं, तो वैसे ही हम स्टेनो भी सीख सकते हैं। तो अगर आप कर रहे हैं स्टेनो की तैयारी, तो आप बस कंटिन्यू करते रहिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, दौड़ना भी नहीं, बस चलते रहना है। क्योंकि जितना आप कंटिन्यू चलते रहोगे, उतने जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। स्टेनोग्राफर एक काफी अच्छी पोस्ट है, क्योंकि ये 3600 ग्रेड पे है। इसकी सैलरी स्टार्टिंग में 3,400 रहती है, और उसके बाद में 2 साल बाद में वो बढ़ जाती है। जैसे कि मतलब प्रोफेशनल पीरियड खत्म होता है, उसके हिसाब से वो बढ़ जाती है, 40+ हो जाती है। तो काफी अच्छी पोस्ट है। काफी ऐसे लोग मैंने देखे जो इस पोस्ट के लिए ऐसे होते हैं कि मुझे ये करना ही है, क्योंकि ये अच्छी पोस्ट है यहाँ पे। तो पोस्ट तो अच्छी है ही है, आपका होना भी अच्छा रहेगा, और एक ऑफिस वर्क है, आपको कहीं भी जाने की जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं है। ऑफिस वर्क रहेगा तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से, वैसे मैंने पसंद की थी कि मैं अपने खेलों के साथ, अपनी आगे की पढ़ाई के साथ, ये जो अच्छे से जो ऑफिस में बैठे बैठे कर सकूं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और आगे आगे मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस जॉब के साथ कैसे रहेंगे ये मैं आपको बताती रहूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कहाँ से कोचिंग करी है, मेरे टीचर कौन से हैं, और मैंने मतलब अपनी कोचिंग में आपको दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।